हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लामिया में एडमिशन ले चुके हैं या फिर इस बार एडमिशन लेने वाले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जामिया के एप्लीकेशन फॉर्म खासकर हॉस्टल को लेकर क्वेरी आ रहा है कि हॉस्टल का फॉर्म जामिया के कब आएगा। तो अगर आप इसको टॉप में यहाँ पर पढ़ेंगे तो साफ लिखा हुआ आ रहा है क्या, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ हॉस्टल आफ्टर रिनोवेशन, मतलब हॉस्टल का अलॉटमेंट होने वाला है लेकिन कब, रिनोवेशन के बाद। अभी जो लेटेस्ट में अपडेट है उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। इसमें नोटिफिकेशन में यही कहा गया है, जो कि ये रिसेंट नोटिफिकेशन है, एज ऑल आर दी अवेयर दैट ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक ऑल दी हॉस्टल्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज वेयर क्लोज एंड देयर फॉर देर इज डायर नीड फॉर गेटिंग देम रिनोवेटेड बिफोर अलॉटिंग द सेम टू दी स्टूडेंट्स एज वेल कंस्ट्रक्शन ऑफ सम न्यू हॉस्टल्स फॉर दी स्टूडेंट्स। मतलब इसमें कुल मिला के यही कहा जा रहा है कि अभी जामिया में जो है कुछ कुछ हॉस्टल्स बनाए जा रहे हैं, मतलब कुछ कुछ जो है कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने जामिया विजिट किया था, वहाँ पर मुझे यही दिखा। जो बॉयज़ हॉस्टल थे उसमें ऑलरेडी, जैसे सपोज 2 फ्लोर का है तो ऑलरेडी ऑल उस पर एक 2 फ्लोर और उस पर मतलब और बनाया जा रहा है उसको, मतलब हॉस्टल के एरिया को बढ़ाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हॉस्टल में रह सके। तो ये 2 चीज़ें, मतलब इन्होंने कहा कि भाई हॉस्टल अलॉटमेंट से पहले अभी ये 2 काम चल रहा है। नेक्स्ट, कीपिंग द व्यू ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द मैटर, द कंपिटेंट अथॉरिटी इन द कंसल्टेड विद द डीन ऑफ फैकल्टी एंड प्रोवोस्ट ऑफ ऑल ऑफ रेसिडेंस हैज ऑलरेडी टेकन अप वर्क ऑफ रिनोवेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द हॉस्टल शो हैज टू टेक देम ए फिट फॉर द अलॉटमेंट। मतलब ऑलरेडी जामिया के जो डीन हैं, जितने भी फैकल्टी के जो डीन हैं और प्रोवोस्ट हैं, वो ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं रिनोवेशन पे और कंस्ट्रक्शन पे। सो इट इज़ देयर फॉर नोटिफाइड टू ऑल दी कंसर्न दैट दी अलॉटमेंट ऑफ हॉस्टल्स विल बी डन आफ्टर। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अभी जामिया में जो है कंस्ट्रक्शन और रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो जब ये हो जाएंगे उसके बाद ही हॉस्टल का अलॉटमेंट होगा। बट अभी ये कोई बताया भी नहीं जा रहा कि कब तक होगा, बस इन्होंने एक टाइम दे दिया कि मतलब इन्होंने सिर्फ कह दिया कि भाई अभी रिनोवेशन और कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर होगा कि जामिया का हॉस्टल का फॉर्म कब आएगा। देखिए नॉर्मली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जामिया का जो हॉस्टल का फॉर्म आता है, जब अभी जो न्यू एंट्रेंस एग्जाम जो भी स्टूडेंट दिए इनका एडमिशन होना है तो इनका एडमिशन मिल जाएगा। इसके जैसे बाद इनके क्लास स्टार्ट होंगे, क्लास स्टार्ट होने के मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली आपके 16 अगस्त से हो सकता है आपके क्लास स्टार्ट हो जाएँ। 16 अगस्त से मोस्ट प्रोबेबली ऐसे हो सकता है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, इन सभी का जो एडमिशन का डेट दिया गया वो 10 से 12 अगस्त का दिया गया है। और हम क्लास की बात कब करें, 16 अगस्त की बात करें, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा कि 16 अगस्त से क्लास स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट्स जामिया में जा रहे हैं और एडमिशन मिलेगा वो सही हो सकता है, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था व्हाट्सएप ग्रुप बना था, तो हो सकता है आपको व्हाट्सएप ग्रुप बन जाए, या जो भी हो थोड़ा सा एक्टिव रहेगा। ये नहीं कि हाँ एडमिशन लेकर घर चले गए और छोड़ दिए, तो हो सकता है आपके क्लास पहले शुरू हो जाए और बाद में आपको फिर दिक्कत हो जाए। मीन्स अभी जो स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं, इनके एडमिशन्स हो जाने के बाद ही फॉर्म आते हैं जामिया के द्वारा। अब जैसे अभी तो ये कि पिछले 2 सालों से कोविड का सीन हुआ, इस वजह से हॉस्टल फॉर्म आया ही नहीं है, लेकिन जामिया का फॉर्म ठीक मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेड टाइम बता रहा हूँ। अभी जैसे कि अगस्त चल रहा है, तो मिड सितंबर या एंड सितंबर हो सकता है कि उस टाइम तक आपके फॉर्म है। फॉर्म आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इनका पूरा अगस्त का जो मंथ होगा वो एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ में ही जाएगा ऑलमोस्ट, और उसके बाद फिर इनके जस्ट क्लास स्टार्ट होंगे। तो हॉस्टल का जो सीन है वो ठीक सितंबर, मिड सितंबर के आसपास में हो सकते हैं, आफ्टर एंड सितंबर। तो जो स्टूडेंट्स अच्छा फॉर्म की बात करें, तो चाहे वो गर्ल्स का हो या बॉयज़ का हो, फॉर्म एक ही बार आता है। ये नहीं कि हाँ गर्ल्स का फॉर्म अलग और बॉयज़ का फॉर्म अलग, ऐसा कोई सीन नहीं है, मतलब सेम टाइम में दोनों का फॉर्म आता है। हाँ दोनों का भी फॉर्मेलिटीज़ भी सेम ही है, दोनों का पहले फॉर्म फिल करना होता है, देन उनका इंटरव्यू होता है, एंड देन उसके बाद हॉस्टल उनको अलॉटमेंट होता है। लेकिन गर्ल्स का चांसेस ज़्यादा रहता है क्योंकि यहाँ पे सीट ज़्यादा है, तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर गर्ल्स को हॉस्टल मिल जाता है। बॉयज़ को मिलना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे सीट्स कम है, बट फिर भी ये है कि मेरिट चेक किया जाता है, मेरिट बेस पे, मतलब हॉस्टल, अगर आप हॉस्टल मिलने का प्रोसीजर को समझेंगे तो वहाँ पर यही समझा कि मेरिट बेस पर हॉस्टल मिलता है, ठीक है। बाकी हॉस्टल का फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और क्या क्या बेसिक फॉर्मेलिटीज होता है, उसके बारे में बता दिया जाएगा। लेकिन अभी के फिलहाल के फॉर्म की बात करें तो मैं आपको एक एक्सपेक्टेड डेट बता रहा हूँ, एंड ऑफ सितंबर के आसपास में आपके फॉर्म आ सकते हैं हॉस्टल्स के, चाहे वो बॉयज़ को हो या गर्ल्स को हो। अब उससे पहले ये है कि आपको दिल्ली में रहना है तो फिर ये कि लोकल जगह, जैसे लाइक वो अगर जामिया के पास में बात करें तो खलहेड, बटला हाउस, जाकिर नगर, इस तरीके से और भी लोकल जगह हैं, वहाँ पर फिर आपको रहना पड़ेगा भाई, मतलब जैसे भी पॉसिबिलिटीज हो। बाकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट कर दिया करें, उससे रिलेटेड वीडियोज़ आ जाएंगे। एंड हॉस्टल को लेकर, हॉस्टल किस तरीके से फॉर्म फिल करना होता है, क्या क्या बेसिक गाइडलाइन है हॉस्टल को लेकर, उस पर वीडियोज़ आ जाएगा। थैंक यू।